देखिए कंपनी हो या इंडिविजुअल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए कैश मैनेजमेंट एक कंपनी के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए की कंपोनेंट है। प्रॉपर कैश का मैनेजमेंट ना कर पाना एक स्मॉल बिजनेस को कोलैप्स कर सकता है और एक स्टेबल बिजनेस को बैंकरप्ट। कैश एक प्राइमरी एसेट होता है जिससे आप पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉपर यूटिलाइज करके यूज कर सकते हैं। एक कंपनी के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए कैश का मैनेज कर पाना फ्यूचर ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट करने जैसा है। बढ़ते बिजनेस और टाइम को देखते हुए ट्रेडिशनल वे में कैश का मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपका पर्सनल कैश हो या फिर बिजनेस फाइनेंस, सबको अच्छे से मैनेज करेगा एक बेहतरीन शानदार ऐप जिसका नाम है लियो ऐप। अगर लियो ऐप को समझाना चाहूं तो लियो ऐप एक कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन है जो आपका हर डेटा मैनेज और ट्रैक करने में मदद करने वाला है, जहां पर आप सारी चीजें सेफ और फ्री पाएंगे। वन ऐप फॉर ऑल योर डेटा, मैं लियो ऐप को शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूंगा। बिजनेस डेटा हो या एक्सपेंस, बजट हो या इनकम, सब कुछ ट्रैक करना इस ऐप में आसान तरीके से पॉसिबल है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस चूज करके लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे 60 से ज्यादा टेम्पलेट आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही हेल्प करेंगे अपने डेटा को अच्छे से मैनेज और ट्रैक करने में। आपकी कैश रिलेटेड डेटा हो या फिर बिजनेस या पर्सनल फाइनेंस, सब कुछ ट्रैक करना आसान हो जाएगा। कैश लियो ऐप में कैश रजिस्टर, एक्सपेंस रजिस्टर, बजट रजिस्टर, इनकम रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स आपकी मदद करने वाले हैं आपके डेटा को अच्छे से ट्रैक, एनालाइज और रिकॉर्ड करने में। दोस्तों आपने इस ऐप के बारे में तो जान लिया, पर अब आप अपना डेटा इस टेम्पलेट्स में कैसे स्टोर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसको भी अच्छे से जान लेते हैं। पहला ऐसा ही एक रजिस्टर है जिसको कैश रजिस्टर कहते हैं। कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ अवेलेबल कैश को ट्रैक कर लेना बहुत ही आसान होने वाला है इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में, इस पर्टिकुलर रजिस्टर में। देखिए आपको ये रजिस्टर आपके शॉप, पर्सनल, स्मॉल बिजनेस जैसी कैटेगरीज में मिल जाएगा और आप अपने डेटा को इस कैटेगरी में सिलेक्ट करने के बाद आप रजिस्टर ओपन करें, उसमें अपना डेटा जैसे कैश इन या कैश आउट ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करें और आप अपना अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आपके अवेलेबल कैश को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, जो कि ट्रेडिशनल वे में पेपर्स में मैनेज करने पर मुश्किल होने वाला है, जो कि आसान तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपका कैश कहां कहां जा रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो कैसा कितना हो रहा है, और सब कुछ मैनेज करना कैश रजिस्टर में आसानी से पॉसिबल है। ऐसा ही एक दूसरा रजिस्टर है जीएसटी रजिस्टर। शॉप हो या बिजनेस, आप अपने जीएसटी का ट्रैक इस टेम्पलेट में आसान तरीके से कर पाएंगे। बिल नंबर, डेट, कस्टमर्स का नाम, जीएसटी नंबर, अमाउंट डिटेल्स, बस उन कॉलम में फीड कर दीजिए और आपको फ्यूचर रेफरेंस में बहुत ही हेल्प हो जाएगी थ्रू दिस रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रजिस्टर। बिजनेस में अपने कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो अच्छे से ट्रैक करना, उसे ध्यान रखना और सही अमाउंट इन्वेस्ट करना बिजनेस करने का सही तरीका है और इसी में मदद करने वाला है आपको प्रॉफिट एंड लॉस रजिस्टर, जिसमें इस रजिस्टर की मदद से आप अपना अवेलेबल कैश का हिसाब रख पाएंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी हिसाब रख पाएंगे। फोर्थ, एक्सपेंस रजिस्टर। कई कैटेगरीज जैसे पर्सनल, स्मॉल बिजनेस में ये टेम्पलेट आपको अवेलेबल हो जाएगी और इस रजिस्टर से आप अपना डेली एक्सपेंस, पर्सनल हो या बिजनेस रिलेटेड, सब कुछ आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। आप कहां कितना स्पेंड कर रहे हैं, इस टेम्पलेट में आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा और आसान तरीके से आप अपना मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। और जी ये ही नहीं, आप एक एडवांस टेक्निक से अपनी बिल की फोटो इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में अटैच कर सकते हैं, कौन सा एक्सपेंस कब किया और कितना किया, सब कुछ आसानी से मैनेज होने वाला है इस रजिस्टर में। ऐसा ही एक बेहतरीन रजिस्टर है पेमेंट रिसीव रजिस्टर। कस्टमर से मिलने वाले पेमेंट को ट्रैक करने में, मैनेज करने में अगर आपको मुश्किलें आ रही हैं तो आप सही रजिस्टर पर आए हैं। दोस्तों आप अपना डेली रिसीव पेमेंट यहां पर ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसको आसानी से एनालाइज करके अपने इनकम का भी एस्टीमेट लगा सकते हैं। अगर आप इस टेम्पलेट को यूज करना चाहें तो इस रजिस्टर को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करिए, उसमें अपना अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट, मोड सिलेक्ट करके रिलैक्स हो जाइए। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी देखने की जरूरत पड़ी कि कहां से कितना पेमेंट किस डेट को आया, आप इस रजिस्टर पर आ सकते हैं और एक ऐप आपका सारा काम आसान कर देगा। इनकम रजिस्टर, आप अपने कैश इनफ्लो का डेटा प्रॉपरली इस रजिस्टर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। किस सोर्सेस से कितना कैश आ रहा है और कहां कैश कितना अवेलेबल है, इस रजिस्टर में आप आसानी से उसको मैनेज कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट को आसानी से ट्रैक भी कर पाएंगे। ऐसा ही एक रजिस्टर मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज बजट रजिस्टर। देखिए पर्सनल लाइफ हो या फिर बिजनेस लाइफ, सब में बजट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने बजट अच्छी तरीके से मैनेज किए तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाला है।
मंथली बजट रजिस्टर आपको पर्सनल कैटेगरी में अवेलेबल हो जाएगा और आपका पूरा बजट मैनेज करने के लिए, प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प जरूर करेगा। दोस्तों आप इन रजिस्टर्स में अपना डेटा रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो, पर इस डेटा को अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका कोई पुराना डॉक्यूमेंट पड़ा है तो आप उसको आसानी से इस ऐप में इंपोर्ट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस ऐप के डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जैसे डेली स्पेंड रजिस्टर, उधार रजिस्टर्स और बहुत सारे टेम्पलेट जो आपकी लाइफ को बहुत आसान तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेगा। आपका कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो इजीली आप फोन पर मैनेज कर पाओगे और सारे इन्वेस्टमेंट्स और सारी ट्रैकिंग आसानी से कर पाओगे। तो देरी किस बात की, इस ऐप को आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर।